Hey guys, welcome in Planish Dev. Today I will show you summer project of PHP, which is E-class. It's look like Udemy and an academy. So let's get started. हेलो दोस्तों, ये है हमारा डेटाबेस ऑफ ये E-class का डेटाबेस है। इनमें इतने टेबल है, देखिए। तो चलिए पहले दिखा देता हूँ कि क्या कैटेगरीज में क्या है। ये देखिए, ये कोर्स है। अब मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन का। एडमिन पे दिखाऊंगा, यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाला, फिर भी ये देखिए वैलिडेशन सही है। एडमिन पासवर्ड, एडमिन लॉगिन। ओके, ये हमारा डैशबोर्ड है। देखिए यहाँ पर टोटल इनकम है, पेमेंट है और पेंडिंग पेमेंट भी है। यहाँ पर कोर्स ओवरव्यू है, स्टूडेंट ओवरव्यू है। यहाँ पे ये सब डायनेमिकली है, सब डेटा राइट है। देखिए फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। देखिए ये Udemy की तरह ही है। यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। 123123। ओके, लॉग आउट। ओके, पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज। अगेन आई एम लॉग इन ओल्ड विथ ओल्ड पासवर्ड, सो इट्स सेइंग इट्स रॉन्ग, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। आई एम लॉग इन विथ करेक्ट पासवर्ड, इट्स हियर। देखिए यहाँ पर टोटल कोर्स है, टोटल एक्टिव कोर्स है, टोटल ट्यूटर की डिटेल्स भी यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। देखिए ट्यूटर डिटेल्स में आप यहाँ कैटेगरी और सब सॉर्टिंग होता है इन टेबल में। यहाँ पर ट्यूटर की डिटेल्स दिखाई जाएगी, लोकेशन, स्पेशलाइजेशन और उसकी प्रोफाइल लिंक और सब। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊँगा, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा कि क्या है इश्यू में हमारे सिस्टम में। यहाँ पर टोटल कोर्स है, देखिए ये स्टूडेंट डिटेल्स है कि कौन से स्टूडेंट ने कितने कोर्स लिए, ये सब यही इस पैनल में दिखाई जाएगी। एडमिन पैनल, ये एडमिन साइड है। फिर से आपको मैं बता दूँ, देखिए एनरोल कितना कोर्स में किया हुआ है। ये ब्रिजेश ने किसी में भी नहीं किया, देखिए इसलिए उसकी डिटेल्स जीरो आई है। इसने एक में किया है, कंप्यूटर फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, 5 सारंग। ओके, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स सब मिल जाएगी, क्या नाम है, क्या जो भी प्रोफाइल उसने सेट की है वो सब इसमें दिखाई जाएगी। यहाँ पर टोटल इनकम एडमिन की जनरेट हो, मंथली, ईयरली, एक्चुअल इनकम और टोटल इनकम। एक्चुअल इनकम यानी कि उनकी इनकम कितनी है, जो स्टूडेंट से पैसे आते हैं उनमें से कमीशन निकाल के एक्चुअल इनकम बनती है। ये सब है साइट मैप, देखिए। मेन कैटेगरी, यहाँ पर आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं कैटेगरीज और सब कैटेगरीज। ओके, देखिए अब यहाँ पर एक कैटेगरी चली गई, MBBS ही रही, IT चली गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली। फिर से एक्टिव कर देते हैं, हो गई एक्टिव। नई कैटेगरी ऐड करते हैं, बीटेक। यहाँ पर टेम्पररी में सब डेटा डालूंगा, तो फिर ऐसा मत कीजिए कि आपने वैलिड डेटा नहीं टाइप किया और XYZ, क्योंकि वैलिड डेटा टाइप करने में टाइम लग सकता है। ऐड, देखिए ये हो गई हमारी। अब यहाँ पर एक्टिव करेंगे हम,
एडिट कर सकते हैं, देखिए इट्स ओके। अब डीएक्टिव हो गई, हमें एक्टिव करनी पड़ेगी। चलो एक्टिवेट कर दिया, सक्सेसफुली अपडेटेड एक्टिवेट भी हो गई है। सब कैटेगरी, ये सब कैटेगरीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, बीटेक दिखाई दे रही है अब, अगर डीएक्टिव होगी तो नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सब डाल देंगे। चलो ऐड करते हैं, चलो ऐड भी हो गए सब कैटेगरी। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स, तो बात ये ट्यूटर की डिटेल्स, टोटल ट्यूटर्स कितने हैं, न्यू मंथ में कितने ज्वाइन हुए हैं, अप्रूव एप्लीकेशन कितने की हुई है और रिजेक्टेड कितने की हुई है। रिज्यूम ट्यूटर, यहाँ से आप रिज्यूम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेम्पररी मैंने अपलोड किया हुआ है, सो ऐसा मत कहना कि भाई ये वैलिड नहीं है डेटा। और तो यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकता है एडमिन, अगर उसको ऐसा लगे कि भाई ठीक रिज्यूम नहीं है और अकाउंट नहीं रखना है उसका। मैं यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, टीचर का, ट्यूटर का। अगर आपको ये प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे आप ले सकते हैं, planxdeveloper@gmail.com। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। देखिए पासवर्ड पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड आए जनरेट होगा, अब आएगा। देखिए आया, अब यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे हमारा अकाउंट, प्लीज़ क्लिक हियर टू वेरीफाई, वेरीफाई हो जाएगा। अब ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड जनरेट होगा और उसके बाद अकाउंट होगा क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए सेंड हो गया है, यहाँ पर आ गया है पासवर्ड, और योर पासवर्ड इज नहीं, योर यूजर नेम इज ओके। सो आई एम कॉपी दिस एंड लॉग इन, देखिए अभी तक तो डैशबोर्ड पूरा क्लीन है, अभी तक मैंने एक भी कोर्स क्रिएट नहीं किया है, इवन मैंने प्रोफाइल भी सेट नहीं की हुई है। तो चलिए प्रोफाइल सेट करते हैं, यहाँ पर मैं अपना इमेज जो लोगो है वो अपलोड कर देता हूँ ट्विटर का, यूट्यूब वीडियो सक्सेसफुली अपडेटेड भाई, हमारा लोगो आ गया है। अब रिज्यूम में आप नहीं अपलोड कर सकते, पहले आपको प्रोफाइल अप सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वार्निंग आएगी कि भाई तुम पहले प्रोफाइल अपडेट करो। देखिए प्लीज अपलोड योर प्रोफाइल फर्स्ट, आई यहाँ पर टेम्पररी में डाल देता हूँ भाई प्लानिक्स डेवलपर। ये ऑप्शनल है, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक अगर आपको रखनी है अपने, आप ट्विटर वहाँ पे विजिट कर सकेंगे, ट्विटर पे एडमिन भी कर सकेगा, इवन स्टूडेंट भी कर सकेंगे, उसकी जो अपने अकाउंट की लिंक नीचे दी हुई होगी। तो देखिए अभी तक यहाँ पर जीरो ही है क्योंकि हमने रिज्यूम अपलोड नहीं किया है, हम रिज्यूम अपलोड करेंगे फिर यहाँ पे वन हो जाएगा। चलिए ट्विटर का नेक्स्ट ईयर, अभी तक अपलोड नहीं की हुई है, देखिए ब्लैंक है, अपलोड कर दो। चलो ठीक है, रिज्यूम में भाई अपलोड कर दे यार, हो गया सक्सेसफुली अपलोड।
अब दिखाई देगा एडमिन पैनल में, एडमिन को अब दिखाई देगा कि भाई एक ट्यूटर आया है, उसकी रिज्यूम में चेक करो, एक्स अप्रूव देना है क्या रिजेक्ट देना है वो चेक करो। देखिए यहाँ पर आ गया स्मित पटेल है, क्या स्पेशलाइजेशन है, लोकेशन क्या है उसका रिज्यूम है। मैंने एंड्रॉयड का प्रैक्टिकल लिस्ट डाल दिया है, सो आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट किए हुए को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रूव हो गया। अब वो अपना कोर्स क्रिएट कर सकेगा अपने अकाउंट में ट्यूटर स्मित पटेल। यहाँ पर टोटल पेंडिंग पेमेंट ने वो सब दिखाएगा कि कितनी अर्निंग हुई है। अगर ट्यूटर को पे करना है तो यहाँ पर पे पर क्लिक करने से उनको पे हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट के साथ दिखाएगा, यानी कि मैंने परचेज किया हुआ है। यहाँ पर हम अनाउंसमेंट क्रिएट करेंगे, हेडलाइन डालेंगे, मैसेज डालेंगे और सिलेक्ट करेंगे भाई पर्टिकुलर सेंड करनी है अनाउंसमेंट या जनरल। हम जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल न्यू अनाउंसमेंट ऐड। अब रिलीज हिस्ट्री देखिए आप, मैं बंद कर देता हूँ इसको। अनाउंसमेंट हेडलाइन जेड पर्टिकुलर डालता हूँ। ठीक है, आप ये अनाउंसमेंट हेडलाइन जो देखिए आप यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में अनाउंसमेंट करनी है। वो लॉगिन करके दिखाऊंगा कि भाई अनाउंसमेंट आई है या नहीं। यहाँ पर तो आई थिंक नहीं आएगी क्योंकि अभी तक ये कोई भी कोर्स क्रिएट नहीं किया हुआ। इसे लॉग आउट करके एक दूसरा लॉगिन है वहाँ, उसमें लॉगिन करता हूँ ट्विटर का। 36 पासवर्ड 78 ओके। देखिए डेटा यहाँ पर देखिए आ गई, देखिए आ गई। देखिए लॉग आउट कर देता हूँ फिर से मैं। यहाँ से मैं एडमिन, ये एडमिन पैनल है, यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। देखिए हो गया डिलीट। अब जाते ये तो कंप्लीट हो गया है ना। देखिए अब फिर से मैं आपको देखा देता हूँ, पे कर देता हूँ, पे हो गया सक्सेसफुल। अभी तक मैंने रखा नहीं है, ये फ्यूचर एनहांसमेंट में आएगा कि वो NTFS के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर देगा ट्विटर के बैंक अकाउंट में। अब यहाँ से मैं नया ऑफर क्रिएट करूँगा, उसकी हेडलाइन क्या होगी, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ मेन कैटेगरी में ऑफर देनी है या सब कैटेगरी में देनी है। मेन कैटेगरी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर है भाई जावा वाले है, तो उसको जावा ओनली फॉर जावा के कोर्स वाले को ही ऑफर चलेगी। ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो देखते आया कि नहीं है ऑफर। इसमें है एक कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले का 36 में। देखिए यहाँ पर आ गई मास्टर इन जावा फुल कोर्स। ओके 36 ऑफर्स इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स ले लो वहाँ पे दिखाएगा। यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं स्टार्ट ऑफर। ये बोल रहा है कि पहले वही एक ऑलरेडी एक्टिव है तो उसको डीएक्टिव कीजिए, बाद में एक्टिव कीजिए। देखिए अब मैं एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, हो गया सक्सेसफुली एक्टिव ऑफर। ये ऑफर कोर्स के प्राइस में है कि बट 10% ऑफ और वट एवर परसेंटेज ऑफ क्रिएटेड बाय एडमिन। लॉग इन स्टॉप।
इवन आई डिलीट ऑल्सो दिस ऑफर। यहाँ से मैं सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ भाई, टेम्पररी आई वॉन्ट क्लोज फॉर टेम्पररी एक्टिव। देखिए यहाँ से चली गई, क्लोज हो गई। लॉग आउट। अब ट्विटर पैनल दिखाऊंगा, एडमिन पैनल में सब दिखा दिया है। ऑफर अनाउंसमेंट हो गया, ट्विटर की डिटेल्स हो गई, स्टूडेंट की डिटेल्स हो गई, टोटल इनकम भी हो गई। ये सारी चीज़ मैंने आपको एडमिन पैनल के दिखाई दिया। अब ट्विटर पैनल की बारी, चलिए ट्विटर पैनल में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए तो ट्विटर का लॉगिन करता हूँ मैं, प्लानिक्स डेवलपर, क्योंकि ब्लैंक आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे न्यू कोर्स क्रिएट कर दूंगा मैं। चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश, एडोब के एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड के लिए प्लेलिस्ट बनाते हैं एंड्रॉयड बाय प्लानिक्स देव। ओके, यहाँ पर आप कोर्स ऑब्जेक्टिव डालेंगे, वो आपको स्टूडेंट को डिस्प्ले होगा, परचेज के करने से पहले भी देख सकेगा और परचेज करने के बाद भी देख सकेगा। विजिटर्स विदाउट लॉगिन भी हमारे कोर्स का इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। टोटल लेक्चर्स, टोटल हावर्स कितनी है वो, टोटल असाइनमेंट कितने हैं, उसको सब स्टूडेंट को सबमिट करने पड़ेंगे, कितने क्रिएट करने हैं वो। यहाँ से थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, टेम्पररी यह सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी हमारा वीडियो का ही है। यहाँ से ओके एंड्रॉइड, यहाँ पर तो बहुत बड़ी है वीडियो, छोटी सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरा लोकल होस्ट है। यहाँ पर अब साइज लिमिट है 100 MB तक की, सिलेक्ट कर लिया। हाँ ये शॉर्ट है फर्स्ट वीडियो, क्रिएट, देखिए क्रिएट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर स्टार्ट भी हो गया। थंबनेल जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब थंबनेल आई थी, देखा था आपने, ये वीडियो स्टार्ट हुआ। ऑडियो आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड के टाइम बंद किया हुआ है। यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ डिटेल्स उसकी, देखिए भी नहीं कर, फिलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और अप्रोक्सीमेट 40 मिनट तक चलेगी ये। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, देखिए तो ये थंबनेल है, हेलो प्लानिक्स देव वाला। यहाँ से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, भाई अब रिलीज हो गई एक्टिव। अब आपको अब ये कोर्स स्टूडेंट को दिखाई देगा, स्टूडेंट लॉग इन करके भी दिखाई देता। यहाँ से प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे हम, ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, वीडियो टाइटल एंड वीडियो आउटकम। यहाँ पर ऐसे ही डाल देता हूँ सब, आपको मालूम पड़े कि क्या है एक्चुअल में, वर्क कैसे करते हैं। भाई मेरा स्लो है पीसी साला। एड प्लेलिस्ट, ओके। देखिए यहाँ पर एक वीडियो प्लेलिस्ट में का हमने अपलोड कर दिया है, अभी तक लाइव नहीं किया। जब तक हम सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तब तक वो लाइव नहीं होगा, तो उसके लिए हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए वो जो सिंक्रोनाइज है ना, मैंने किया वहाँ से। अब मैं स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको, नया स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं। पहले डिटेल्स रखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
ईमेल आईडी ईमेल वेरीफाई होगा, उसके बाद पासवर्ड सेंड होगा। देखिए सॉरी, ओके सेंड हो गया, आ गया। देखिए ये लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट से जा रहा है इसीलिए दिखाई दे रहा है कि सेफ है या नहीं, लेकिन सेफ है। एक्टिव कर दिया मैंने। अब पासवर्ड भी आया होगा, देखिए आ गया 1,00,000। अब पासवर्ड चेंज कर लेना, ये रैंडम जनरेट हुआ है। उसके बाद देखिए आ गया, ये हमारा स्टूडेंट पैनल है। देखिए चेंज पासवर्ड आपको मैं दिखाई देता हूँ। ओल्ड पासवर्ड कंट्रोल वी, न्यू पासवर्ड 123 रख देता हूँ ताकि आसान नहीं रहे आपको दिखाने में। देखिए फुल्ली सेशन और सब कुछ सही चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए आ गया हमारा कोर्स यहाँ पर, एंड्रॉयड बाय प्लानिक्स देव आ गया। यहाँ से हम इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। ये लोड लेगा क्योंकि लोकल वॉइस पे है ना, इसीलिए वीडियो है वो वहाँ पे लोड होगा। इसलिए देखिए आ गया हमारा इंट्रो वीडियो, फुल साइज कर लेते, फुल्ली सिक्योर है। आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते वीडियो को, ये गारंटी है। यूडेमी में तो भी कर सकते हैं आप, इसमें नहीं कर सकते। देखिए क्रिएटेड बाय, डिटेल सब आ रही है, रिव्यू भी आ रहा है। रिव्यू अभी तक किसी ने दिया नहीं क्योंकि किसी ने परचेज भी नहीं किया। हम परचेज करेंगे अभी, पहले प्लेलिस्ट पूरा करके उनके बाद हम परचेज करेंगे और असाइनमेंट भी सबमिट करेंगे और सर्टिफिकेट जनरेट करके दिखाएंगे आपको। डिटेल्स डाल देता हूँ जल्दी जल्दी। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसीलिए प्लीज़ आप जाएगा मत, देखते रहिए। यहाँ पर डिटेल्स डाल, आप रेफरेंस लिंक डाल सकते हैं या यूट्यूब की है वो, या सब जिसकी भी आपको डालनी है वो रेफरेंस, या एग्जांपल और गूगल ड्राइव, अगर आप कोई कोड देना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव में अपलोड करके वहाँ पर रेफरेंस लिंक में डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं डालता क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं कोई भी। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड। अभी भी एक वीडियो अपलोड करने देगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब कोर्स क्रिएट किया हुआ था तब 3 डाले थे हमारे प्लेलिस्ट में, नंबर ऑफ वीडियो 3 हो गई, इसीलिए अब ये वीडियो अपलोड करने के बाद आपको नहीं डालने देगा चौथा वीडियो, आपको एडिट करना पड़ेगा फिर से इंट्रो वीडियो में जाके। गाड़ी वाला ले जाता है, यहाँ से वीडियो भी डाल दो। ये सब फटफट करना पड़ता है लेकिन आपको सब सही से मालूम हो इसीलिए मैं धीमे कर रहा हूँ, बाकी तो ये एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ से सिंक्रोनाइज देखिए, पहला सिर्फ और सिर्फ पहला वीडियो ही दिखाई देगा। अब मैं आपको बाय कर, ये जो बाय है एड टू विश लिस्ट में कर दिया है और बाय करूँगा अब मैं आपको। यहाँ पर पेमेंट गेटवे है रेजर पे, अब अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए रेजर पे नाम का और प्लग इन कीजिए अपनी वेबसाइट में। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, टेम्पररी कोई भी पे, नेट बैंकिंग, ये टेस्ट मोड में है इसीलिए अगर आपको कोड में चेंज करेंगे तो टेस्ट मोड नहीं रहेगा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए टेस्ट मोड में है ये। सक्सेस, पेमेंट सक्सेस हो गया। देखिए अब आपका बाय करने का ऑप्शन चला गया है, अब सिर्फ ओपन प्लेलिस्ट आया है। यहाँ से देखिए आप सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉयड सेटअप नाम का एक वीडियो अपलोड हमने सिंक्रोनाइज किया हुआ है इसीलिए एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
फिर मैं फिर से ट्यूटर पैनल में जाके सिंक्रोनाइज दूसरा करूँगा तो दूसरा आएगा। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं आउटकम कोर्स वीडियो के आउटकम लेसन नंबर के प्लेलिस्ट के देख सकते हैं। यहाँ से आप रेटिंग दे सकते हैं। देखिए आप ट्यूटर ऑन आ गया लेक्चर 1 हाउ टू सेट अप एंड्रॉइड स्टूडियो। देखिए अब दूसरा हेलो वर्ल्ड वाला करते हैं वो भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया हेलो वर्ल्ड इन एंड्रॉइड स्टूडियो। स्टूडेंट साइड है ना, देखिए आ गया हेलो वर्ल्ड। अभी तक असाइनमेंट हमने किया क्रिएट किया वो नहीं, इसलिए नहीं होगा। ये तो तीसरा भी आ जाएगा, अभी रिलोड करता हूँ फिर से। आ गया मैं बंद करूँगा तो चला जाएगा यहाँ से। देखिए अगर उसको एडिट करना है तो सिंक्रोनाइज ऑफ कर देगा, यहाँ से चला जाएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन बटन रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से एडिट भी कर सकता है डिटेल्स। देखिए मैं आपको टेम्पररी एडिट करके दिखाऊंगा। मेरी हिंदी बहुत ठीक नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं वीडियो को। हाँ लास्ट अपडेटेड डेट भी दिखाई देगा शायद। असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 3 असाइनमेंट मैंने जो स्टार्टिंग में डाले थे जब कोर्स क्रिएट करे थे तब, कि मेरा 3 असाइनमेंट हो गए। यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टेम्पररी कोई भी क्वेश्चन डाल देता हूँ, एड क्वेश्चन XYZ। दिस इज योर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे नंबर डाल देता हूँ। यह टिक किया हुआ है ना वो आंसर का है। देखिए टिक एक ए में था तो यहाँ पर ए आंसर है उसका। अभी मैं दूसरा विकल्प ऑप्शन चूज करूँगा तो वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, जो ग्रीन है वो आंसर है। देखिए डी सिलेक्ट किया हुआ है तो 4 आंसर है इसका, राइट आंसर 4 है। स्टूडेंट कोई भी डाले तो वेरीफाई हो करने के लिए। दूसरा असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखिए फिर ये यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर दिया तीसरा डालने के बाद। क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे मैंने, ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, फाइनली ख़त्म हो गए सब क्वेश्चन। अब यहाँ से सिंक्रोनाइज करेंगे हम, पहले व्यू करके देखेंगे। अब सिंक्रोनाइज करेंगे और देखेंगे कि भाई स्टूडेंट के 5 असाइनमेंट आया कि नहीं। आया तो उसको सबमिट करना पड़ेगा तभी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा जो पास होगा तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा उसको। देखिए ये आंसर तो दोनों राइट ही है। देखिए राइट आंसर 2, रॉन्ग 0, नॉट अटेम्प्ट 0 एंड लीव फ्रॉम दिस पेज। असाइनमेंट 1 में तो 100% आए हैं। देखिए वो सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वीडियो में आपको समझ ना आए तो। यहाँ पर मैं आपको दिखा, देखो
क्वेश्चन आंसर पैनल एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड वो कोर्स सिलेक्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि एक ट्यूटर का ओनली एक कोर्स तो नहीं होता, वो मल्टीपल कोर्स क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। अब स्टूडेंट को भी मिल जाए, मिल गया होगा उसका आंसर। क्वेश्चन रिप्लाई जो वन आ गया, जीरो था उसकी जगह वन आया, देखिए यहाँ आ गया, ओके वाला। देखिए मैंने जो टाइप किया हुआ था वो आ गया आपके सामने। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, दोनों असाइनमेंट में आपको सिंक्रोन तो ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये कि भाई रिलीज हो गया है स्टूडेंट में। रेड है इसका मतलब है अभी तक रिलीज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 33% ही किया हुआ है, कोर्स कंप्लीट किया हुआ है अभी, क्योंकि उसने एक ही असाइनमेंट एक वीडियो ही कंप्लीट पूरा देखा हुआ और उनका असाइनमेंट दिया हुआ है। उसने परचेस किया इसका 500 रुपीज़ मिल गया, उनमें से 300 हमारे हैं, 200 एडमिन के है कमीशन। देखिए अब दो आ गए हो गया असाइनमेंट यहाँ पे, अभी भी दो अटेंड नहीं किए उसको, अटेंड फिर से एक बार अटेंड कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे, और उनका आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा अगर आप फेल हो गए तो, फिर से आप अटेंड नहीं कर सकते, फिर से आपको करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट कोर्स, लीव दिस फॉर्म, 100% कर दिया है मैंने कोर्स को, अब डाउनलोड कर सकते हैं हम यहाँ से सर्टिफिकेट। देखिए वो आ गए, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसमें जड़ के बाई कम्प्लीटेड 66.67% कम्प्लीट के साथ, और इतना हुआ है तो देख अब हो जाएगा अब ये एक बार आप ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है, उस दूसरी बार नहीं दे सकता स्टूडेंट। यहाँ पर सारे कोर्स दिखाई देंगे, विदाउट लॉगिन करके भी दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया है मीटेड ऑफिया का रिव्यू, नीचे तो देखिए मैंने XDZCC मास्क डाला हुआ था, ट्विटर भी देख सकेगा अभी किस कोर्स में कितने ने कितना रिव्यू रेटिंग दिया हुआ है। देखिए दो रेट दिया हुआ है आगे, यहाँ पर टोटल इनकम दिखाई देगी। अनाउंसमेंट आपको स्टूडेंट को करना है कि नहीं, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। देखिए स्टूडेंट को प्लीज़ भाई सेटअप कर लो एंड्रॉइड स्टूडियो, अदरवाइज कुछ नहीं आ सीख पाओगे। मैक अनाउंसमेंट उसके बाद क्लिक करूँगा तो जिसने परचेस किया हो उनको ये मैसेज मिल गया होगा कि भाई एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप कर लो यार, वरना कुछ नहीं हाथ में आएगा। देखिए अनाउंसमेंट, देखिए आ गया, हेलो गाइस प्लीज सेटअप एंड्रॉइड स्टूडियो। ये कार्ट है, परचेस तो कर लिया है, डेमो कर देते हैं यहाँ से। भाई मैंने परचेस तो कर लिया कोर्स, देखिए आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हो।
आउटकम क्या होगा, कितने का टाइम है, कितना घंटे का है और कितने मिनट का है वीडियो लेक्चर। ऑफर तो आपने आपको मैंने बता दिया। आगे डैशबोर्ड में देखा, देखिए यहाँ पर 500 है, 300 500। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया कोर्स सिलेक्ट कर क्रिएट कर आपको दिखाई देगी। आपको मालूम हो ना मल्टीपल कोर्स एक ट्यूटर कर सकता है कि नहीं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और टोटल इनकम आपको दिखाऊंगा अभी दूसरा कोर्स परचेज किया होगा तो। $5,000 रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि डैशबोर्ड में डायनेमिक डेटा है या नहीं। देखिए कोर्स क्रिएट कर दिया है मैंने। अब एक आधा वीडियो ऐड कर देता हूँ उसमें, ताकि लोग परचेस कर सके और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई प्राइस है वो, इनकम है वो डायनेमिकली है या नहीं, अदरवाइज आपको डाउट होगा कि भाई उसमें स्टैटिक ले लिया है। यहाँ पर कोई भी ले लेता हूँ।